एक्सपोजर आपको मिलता है तब जब आप यूथ पार्लियामेंट के साथ जुड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द राइट टू लिटरेसी इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस ग्रेटली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. नेहरू युवा केंद्र संगठन ने डिग्री कॉलेज गांधरबल में एक शानदार यूथ पार्लियामेंट का इनाकाद किया. ये प्रोग्राम कॉलेज की शोभा पॉलिटिकल साइंस के इश्तराक से मुनाकद हुआ, जिसमें नौजवान तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद के अलावा नौजवान रजाकारों, सहाफियों और दीगर अफराद ने शिरकत की. जिला सतह के इस यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम में मुकर्ररों ने जमहूरियत के लिए लाजमी वोटिंग अमल और पार्लिमानी कामकाज के साथ साथ समाज को दरपेश दीगर चैलेंजेस और तदारुक पर मबनी खिताब किया. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर फौजिया फातिमा ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अजीज हकीम के अलावा कई सरकर्दा शख्सियात और दीगर मेहमान भी मौजूद रहे. प्रोग्राम के इख्तितामी मरहल में शिरका और मेहमानों को असनाद और तहाइफ से नवाजा गया. पेश है इस यूथ पार्लियामेंट के हवाले से ग्लोबल न्यूज लाइन की डिग्री कॉलेज गांधरबल से ये खास रिपोर्ट. Who is the HOD of Political Science, Sir Professor Salma Khan, the Faculty of Political Science. A huge round of applause for Ma'am Salma Ji. Thank you so much. Zarif Ahmad Zarif Sir, was mutalliq aasu tay paathi. Kashmiri bin maruf o mashhoor shair, taat sui sui chitim climate activist. Deeksha, tim tishu kashir zabaan pet waaya zoor diwaan, ta ashchi khush nasib samjaan paanis paanas, ki ashchi tindi sarbaran. दायस बनी क्या करुत ददवन से पन्ने कुलामा कह रुचु सायस बनी क्या. सिमिलरली वी ऑर्गेनाइज सच यूथ प्रोग्राम तो स्टेट लेवल में जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनको मौका मिलता है नेशनल लेवल का एंड वहां पे जो फर्स्ट सेकंड जिस तरह से पोजीशन होती है उनकी उनका एक नाम बनता है, एक पहचान बनती है ऑल अक्रॉस द कंट्री. वन ऑफ आवर वर्थी स्पेशल गेस्ट फॉर द डे मिस्टर शेख मोहम्मद शफी साहब की वह स्टेज का कैप्टन जरी ख्याल इज्जत माँ प्रोफेसर फौजिया फातिमा जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल जनाब अब्दुल अजीज साहब डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र स्टाफ मेंबर्स ऑफ डिग्री कॉलेज ऑफिसर्स ऑफ नेहरू युवा केंद्र मिस्टर इमरान खान साहब जनाब एजाज अहमद शाह साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कि अगर आप फ्यूचर में कहीं पार्लियामेंट मेंबर बन गए असेंबली मेंबर बन गए टॉपिक आपका बहुत अच्छा था राइट टू वोट हमें क्या फायदा है इससे तो हमें इसका यूज करना चाहिए. लेकिन मुझे बहुत इंटेलिजेंट की तरह जैसे वो पार्लियामेंट ये अपना एक रिहर्सल और डेमोक्रेटिक इदारे में जाएंगे तो आप कैसे वो इंशाल्लाह उम्मीद. आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है बेसिक मकसद क्या है प्रोग्राम जैसे आप सभी देख रहे हैं नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट. नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट है एक डिबेट डिस्कशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल ऑर्गेनाइज करती है. लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है कि मुझे ये यहाँ पर फील हो रहा कि यहाँ पर मैसेज नहीं गई थ्रू एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर जो है यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं एनएसएस के तो उनको हमने मेल फॉरवर्ड किया कि ये हर एक कॉलेज में जाना चाहिए. श्रीनगर से बच्चे गए पार्लियामेंट में इस साल बारामूला से बच्चे गए और डिफरेंट एरिया से बच्चे गए. ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपने देखा कि बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था
जो उनकी डायरेक्टर साहब आए थे तो उनने बताया बच्चों को कि क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों ने खुद भी बोला कि दे शुड नो अबाउट देयर ड्यूटीज एंड दे शुड नो अबाउट देयर राइट्स। तो आजकल का जो यूथ है वो बहुत अवेयर है विद इंटरनेट फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, कोई आसानी से उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने हमारे सोशल इश्यूज के बारे में बात की, ड्रग इश्यूज के बारे में बात की, मदर लैंग्वेज जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज उसके प्रेजर्वेशन की बात की, और सबसे बड़ी बात कि जो उनके राइट्स हैं इनको बड़ी अवेयरनेस मिली कि क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ ये अवेल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रोग्राम्स ऑन एंड ऑफ होते रहे तो आई एम श्योर ये बच्चों में बड़ी एक अवेयरनेस आएगी, और इन जब ये प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं उससे इनकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाती है। और जिस तरह डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये बच्चे ट्रैवल करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे इस साल बाहर गए, खासकर लड़कियाँ वो बाहर गई, एंड जब वो वापस आए उनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, मतलब दे गेट टू सी द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड वंस दे ट्रैवल एंड दे टेंड टू रिस्पेक्ट द कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स जो हैं। तो वो ये आई थिंक इससे बढ़ के कोई एजुकेशन नहीं हो सकती, जहाँ बच्चे ह्यूमैनिटी दे सी द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे एडमिशन जो स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट बैच आएगा वो उन बच्चों को भी मुझे लगता है कि हम शुरू से ही ऐसे प्रोग्राम्स करवाएंगे ताकि उनको पता चला कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पास है और मतलब किस प्रोग्राम में वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया।